नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूं भट्टा लैंड कहे जाने वाले लंढोरा में। आपको बता दूं यहां पे सबसे ज़्यादा भट्टे हैं, एशिया के सबसे ज़्यादा भट्टे यहां पर मौजूद हैं। और आपको बताऊं कि आज से पूरे भारत के भट्टे बंद होने जा रहे हैं। भट्टे क्यों बंद होने जा रहे हैं पूछेंगे, एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ हैं नरेश त्यागी जी। क्या मामला है, क्यों भट्टे बंद करने का जो आज निर्णय लिया गया है, क्यों, क्या है मामला? ये निर्णय तो हमारी जो राष्ट्रीय ऑल इंडिया की जो कमेटी है उसके द्वारा लिया गया और वे लगभग एक महीने पहले लिया गया। क्यों? वो इसलिए लिया गया जो सेल टैक्स जो है, जीएसटी जो है वो मतलब 2.5 गुना कर दी, 5 रुपये प्रति हजार से 12 रुपये प्रति हजार कर दी। और दूसरी जो है कोयले के जो रेट हैं पिछले वर्ष जुलाई में जो थे ये इससे पहले साल 7,000 थे और इस साल 22,000 और 24,000 रुपये प्रति टन हो गए, यानी कि 3-3.5 गुना तक कोयले के दाम हो गए। तो महंगी ईंटें होगी और प्रोडक्शन पर इसका इफेक्ट आया, जिसकी वजह से कुछ भट्टे वालों ने अदर फ्यूल इस्तेमाल करे लेकिन उनसे क्वालिटी नहीं बन पाती। क्वालिटी जो बनती है वो कोयले की ईंटों की बनती है और उसके रेट हो गए 3 गुने। उस हिसाब से अगर ईंटों के रेट बढ़ा तो उसमें जो है पब्लिक नहीं ले पाओगी। और आपने देखा होगा लोहे के भी दाम इसलिए बढ़ पक गए थे, वो कोयले के दाम बढ़ने की वजह से लोहे के दाम भी 80 रुपये किलो तक पहुंच गए थे, लेकिन ईंटों के दाम उतने नहीं बढ़ पाए। तो हम ये घटाने के लिए जीएसटी हमारी 5% जो है माइनर सी बढ़ा दी जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2.5 गुने ना बढ़ाई जाओ। और दूसरे जो है ये कोयले के दाम जो है हमें जितने बढ़ गए उससे गवर्नमेंट जो है हम आसाम वगैरह जहाँ से भी दूसरी जो रिफाइनरी खोल कर और वो हमें दिया जाओ सही उचित रेट पर मिला, जिससे कि ये व्यापार जो है उद्योग बंद होने के कगार पर है ये चल पावे। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि सरकार हमारे इसकी तरफ ध्यान दे और हम इस पर आगे चल सकें। ठीक है दोस्तों, जीएसटी बढ़ा दी गई है, 5 से 12% जीएसटी कर दी गई है। कोयले पर भी रेट बढ़ा दिए गए हैं, जो कोयला यहाँ पर 10,000 पड़ता था वो 22 से 23,000 कोयला यहाँ पर पड़ रहा है। तो इससे कितना फर्क पड़ेगा, अगर ईंटें महंगी होंगी तो कितना फर्क पड़ेगा सर? इससे काफ़ी फर्क बैठेगा और जनता को ही परेशानी होगी और वो हम नहीं चाहते हों। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे कोयले के दाम ही सही कर दिए जाएं, जिससे जनता को भी सही रेट पर ईंटें मिलती रहे। अगर कोयला भी एज इट इज रहे, जिस दाम में अभी सरकार ने दिया है वो एज इट इज रहे या जीएसटी भी एज इट इज रहे, तो कितने प्रति हजार पड़ेगी ईंटें? ये कम से कम 6,500 रुपये प्रति हजार पड़ेगी, यानी कि 6,500 रुपये प्रति हजार ये पड़ने वाली है भट्टा स्वामियों को। आप क्या कहेंगे सर? जी जी, जो जो उन्होंने कहा अध्यक्ष जी ने वही है, सरकार की नीतियों के खिलाफ ही हम योग हड़ताल कर रहे हैं। जीएसटी बढ़ा दी, कोयले के रेट बहुत ज़्यादा कर दिए, इम्पोर्टेड कोयला आ रहा है वो किसी कंपनियों का आ रहा है, स्पेशल उन्होंने कोई रेट पर कंट्रोल नहीं है सरकार का, तो इसलिए रेट बढ़े कोयले के। और 6.5 नहीं बल्कि 8,000 में तो ग्राहक को पड़ेगी, 7 तो हमें ही पड़ेगी, इसमें हमारा सब दड़ा पड़ा मिलाकर तो 8,000 रुपये के करीब ग्राहक को पड़ेगी ईंट। फिर 8,000 रुपये प्रति ग्राहक पड़ेगी। यहाँ पर और भी पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे ही पूछेंगे, क्या कहेंगे गोयल जी? मेरा कहना यही है भी सरकार जो जीएसटी है जो 5% से 12% हुआ है उसे कम करे और जो कोड़ा है हमें सस्ते रेट पे प्रोवाइड करवाए, तभी मतलब हम आगे चल पाएंगे। क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टमेंट है भट्ठों पे वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसमें भट्ठे वाले काबिल नहीं रहे इतने पैसे लगाने में। जो ये हड़ताल है ये कब तक चलेगी? अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो क्या होगा फिर? हम तो अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पे हैं, जब तक नहीं मानती तब तक हम हड़ताल पे रहेंगे, भले कितनी भी समय लगे। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? मेरा कहना यही है साहब, यहाँ का कोयला आता था इंडिया का वो हमें मिल ही नहीं पा रहा है, यूएसए का कोयला आ रहा है, अमेरिका का कोयला वो गुजरात में आता है, उस पर कुछ बड़े बड़े मगरमच्छ जो है वो बैठ गए हैं, वो अपने हिसाब से बेच रहे हैं। बड़े मगरमच्छ कौन है सर? ये सारे लोग ही हैं जितने भी बड़े बड़े वहाँ बैठे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोयला भी यूएसए से आ रहा है, भारत से कोयला नहीं आ रहा है, और कोयला उतरता है गुजरात में और वहाँ पे जिक्र किया कि वहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उसमें भी मेल आउट हो जाती है। दोस्तों ये बात नोट करिएगा, क्या कहेंगे? जी सर, हमें यहाँ का इंडिया का कोयला दिया जाए, हमारे पास कोयला है जी, 3rd नंबर का कोयला हमारे पास दुनिया में, हमें कोयला यहाँ का क्यों नहीं मिल रहा है जी? पहले हमें यहीं का कोयला मिलता था, 5 साल से हमें यहाँ का कोई कोयला नहीं मिल रहा है ही नहीं, कोयला मिलता ही नहीं कहीं से भी, हमें मजबूरन यूएसए का कोयला खरीदना पड़ रहा है। ठीक है, पहले उसका रेट था 7,000 रुपये टन, आज उसका रेट है 23,000 रुपये टन, ये कैसे बढ़ गया इतना रेट? कौन सा दुनिया में इस चीज़ का इतना रेट बढ़ता है? तो यहाँ पर रेट बढ़ाने को लेकर भी विरोध किया गया है और कहा गया है कि अगर ये रेट ऐसे ही रहे तो हमारी हड़ताल भी ऐसे ही चलती रहेगी। नितिन कुमार रुड़की हब से।